नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपके मेरे दोनों के YouTube चैनल में। हैप्पी सरस्वती पूजा और सभी को बहुत बहुत बसंत पंचमी की बधाइयाँ, शुभकामनाएं और हैप्पी वैलेंटाइंस डे। क्योंकि आज का जो दिन है वो बसंत पंचमी के साथ वैलेंटाइंस डे भी है, तो मैं एक ऐसा खास उपाय आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप लवर्स हैं, अगर आप पति पत्नी हैं, बहुत दिनों से झगड़ा चल रही है, जिंदगी में कुछ भी सुकून से नहीं हो पा रहा है, लाइफ में इतने डाउट्स आ गए हैं, भले ही आप प्रेमी प्रेमिका हो लेकिन इतने शक करते हैं दूसरे के ऊपर कि ज़िंदगी पूरा ख़त्म सा हो गया है, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं आपके अंदर, तो आज जो मैं विषय में बात करूँगी वो बहुत ही खास उपाय है। इसको आप ज़रूर से करिए, आज के दिन ही करिए। याद रखिए कि तोहफे में कभी भी एक दूसरे को परफ्यूम गिफ्ट ना करें, चाहे आप लवर्स हो चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, कभी भी किसी को परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप परफ्यूम गिफ्ट करते हैं तो जिस तरह से परफ्यूम का स्प्रे करते करते वो दिन ख़त्म हो जाता है, उसकी खुशबू चली जाती है, उसी प्रकार आपके रिलेशनशिप से में भी जो प्यार है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये गिफ्ट सबको नहीं करना। क्या गिफ्ट ऐसा खास कर सकते हैं आज के दिन अपने प्यार जिससे आप करते हैं उससे, कि आप हस्बैंड वाइफ करते हैं दूसरे को, आज के दिन चॉकलेट्स गिफ्ट करिए, मिठाइयाँ गिफ्ट करिए, केसर गिफ्ट करिए, चीज़ें को बेहतर बनाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह की समस्या ना आए, डाउट्स ना आए, तो आज के दिन एक खास काम जरूर करिए। एक कांच के बाउल आप ले सकते हैं, उसमें हस्बैंड वाइफ अपने एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों में बहुत झगड़े हो रहे हैं, दोनों का फोटो लीजिए। अगर आप प्रेमी प्रेमिका भी हैं और आगे का सोच रहे हैं कि शादी करनी है, तो फिर इस उपाय को ज़रूर करें। दोनों की फ़ोटोज़ लेना है, और जैसे मान लीजिए ये मेरी फ़ोटो, ये मेरे हस्बैंड की फ़ोटो, इस तरह से इस दोनों को ऐसे करना है और मौली सूते के सहारे से उसको बांधना है। एक कांच का कटोरा में पूरा चावल जो कि बिल्कुल भी टूटा फूटा ना हो उसे भर लीजिए, और उसके ऊपर उस तस्वीर को रखें, उसमें एक गुलाब का फूल रखें जिसमें कांटे ना हो, उस फूल को आपको रखना है, इत्र लेना है गुलाब का ही, उसके ऊपर या तो स्प्रे कर दीजिए, अगर आपके पास इत्र है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई भी रोज़ वाला परफ्यूम लेकर उसमें स्प्रे करिए। आपके जो हाईएस्ट करेंसी है 500 का जो नोट है उसको उसके ऊपर से ऐसे करके ढक दीजिए गुलाब के फूल को, और उसमें थोड़े चावल और रख दीजिए, और एक कपूर की टिकिया उसमें रखिए। अपने घर के जो बेडरूम है, या फिर आप अभी शादी नहीं हुई है करने के बारे में सोचे तो भी इसको बेडरूम में किसी भी तरह से आप अपने बेड के नीचे कहीं पर भी रख सकते हैं। इस उपाय को करने से ज़िंदगी में विश्वास करिए कि लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं होंगे, और आप एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहेंगे। आशा करती हूँ आज के दिन के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और इस काम को आप जरूर करेंगे। तब तक के लिए चाहती हूँ, धन्यवाद।